नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आप सभी ने तो वी लुकअप का यूज किया ही होगा। वी लुकअप का यूज अपने सिंगल वर्टिकल लाइन में किया है, लेकिन दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि टू वे साइड वी लुकअप या फिर लुकअप जो है वो कैसे लगाते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि आपको अगर दोनों रो और कॉलम दोनों का जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको फाइंड करना है, और फाइंड करने के बाद आप उसे टू वे लुकअप लगा सकते हो। मतलब आपके पास अभी एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने यहाँ पे इंग्लिश हिंदी संस्कृत साइंस पार्ट वन पार्ट टू मैथ्स और टोटल ऐसे मेरे पास सब्जेक्ट है। जो भी मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं जो भी सीट नंबर टाइप करता हूँ वो सीट नंबर का मार्क्स जो है वो यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे A005 ये जो सीट नंबर है रोल नंबर है, ये रोल नंबर को संस्कृत सब्जेक्ट में यहाँ पे 36 मार्क्स मिला है, यहाँ पे आपको उसका दिखता है। और उसके साथ साथ इसका आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स यहाँ पे शो करता है। 36, 80, 36, 88 and 66 and math में 30। ओके, तो ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट का आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आपको मिलता है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर टाइप करना है, और रोल नंबर टाइप करने के बाद आपको उसका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का मार्क्स आपके सामने आ जाएगा। जैसे चाहिए आपको सिंगल सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए तो आप सिंगल सब्जेक्ट का भी यहाँ से देख सकते हो। अगर सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का देखना है तो यहाँ पे भी उसका डिटेल्स आ जाता है। दोस्तों यही है हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आज देखते हैं टू वे लुकअप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो ये अपने पास एबीसी इंटरनेशनल स्कूल का डेटा है। इसमें यहाँ पे रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, हिंदी संस्कृत साइंस पार्ट वन पार्ट टू मैथ्स एंड टोटल। ओके, रिमार्क अभी हमें निकालना है। रिमार्क हमारा ये है कि सपोज इसको पासिंग क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम 35 मार्क्स जो है वो हर एक सब्जेक्ट में उसको मिलना चाहिए तो ही वो स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इफ का फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इज इक्वल टू इफ। लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि अगर ये सब्जेक्ट में से कौन से भी एक सब्जेक्ट में बिलो 35 उसको अगर मार्क्स मिले तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मीन इज ब्रैकेट ओपन, अपने ये जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देता हूँ, 6 सब्जेक्ट ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 देन पास। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अपना पहला जो कंडीशन है वो देख, यहाँ पे हम मिनिमम मार्क्स निकल के देख सकते हैं कि स्टूडेंट को कितने मिनिमम मार्क्स मिले, तो कि अपना कंडीशन जो है वो बराबर सेट हुआ है कि नहीं वो हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये फेल हो गया क्योंकि इसको मिनिमम 33 मार्क्स है, मिनिमम पासिंग के लिए 35 मार्क्स चाहिए। ऐसे आप कंडीशन जो है वो कंडीशन चेक कर सकते। ओके, तो ये तो हो गया अपना इफ का कंडीशन। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका अगर सपोज मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाला जिसका मार्क्स हिंदी का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में जाके लिस्ट जो है ये लिस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ताकि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आए, और रोल नंबर जो है वो यहाँ पे मुझे मैन्युअली टाइप करना है। मतलब जैसे जो उसका रोल नंबर रहेगा स्टूडेंट का वो स्टूडेंट क्या करेगा,
रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेगा, तो रोल नंबर टाइप करने के बाद उसका जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है वो सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे दिखेंगे। अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें दो क्राइटेरिया, एक तो है उसका, एक जो है वो उसका रोल नंबर भी मुझे ढूंढना है, और दूसरा जो है वो मुझे सब्जेक्ट भी ढूंढना है। मतलब अपने एक फॉर्मूला में दो कंडीशन है। इसके लिए हम इससे शुरुआत करते हैं वी लुकअप से, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू जो है वो अपना रोल नंबर है, रोल नंबर जो है वो वैल्यू मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, कॉमा, कॉलम इंडेक्स, सॉरी टेबल एरे, टेबल एरे जो है वो अपना ये पूरा जो टेबल है, ये अपना पूरा टेबल टेबल एरे है, इसको भी मैं फिक्स कर देता हूँ F4 कॉमा, ओके। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉलम इंडेक्स जो है वो कॉलम इंडेक्स मुझे डिक्लेयर करना है। नॉर्मली हम वी लुकअप में क्या कर देते हैं कि अगर सपोज इसका मुझे हिंदी का पेपर देखना है तो 1 2 3 4 चार नंबर का कॉलम यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो डेटा डायनामिक है, जो यूजर सिलेक्ट करेगा वो यूजर सिलेक्ट करने के बाद मुझे वो कॉलम नंबर वहाँ पे ऑटोमेटिकली आना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैच फंक्शन का यूज कर देता हूँ, मैच। अभी मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो ये है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं मैच से, ओके। तो इस वजह से मैं इसको भी पहले फिक्स कर देता हूँ, कॉमा, ओके। अभी अपना लुकअप एरे जो है वो लुकअप एरे ये रो है, इसके लिए मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, ओके। लुकअप एरे इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, कॉमा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए मैं 0 प्रेस कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी अपना क्या हो गया, जो कॉलम इंडेक्स नंबर जो है यहाँ पे देखो शिफ्ट, तो यहाँ पे मुझे मैच इंडेक्स मैच जो है वो मैच से हम क्या कर सकते हैं, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं, कॉमा। अभी मुझे इसका भी एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसके लिए मैं 0 दबा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इसको हिंदी में 90 मार्क्स मिला है, रोल नंबर है A001 और इसका हिंदी में मार्क्स है 9। अभी देखो यहाँ पे अगर सपोज मैं संस्कृत सिलेक्ट कर देता हूँ तो संस्कृत का मार्क्स भी यहाँ पे आ जाता है, ये देखो ना A001 है, A001 को संस्कृत में 91 मार्क्स है। इसकी वजह से आप यहाँ से जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको टोटल चाहिए तो टोटल मार्क्स भी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉन्केंट जो फंक्शन है वो यूज किया है, उससे मेरा क्या होता है ऑटोमेटिकली मार्क्स सब्जेक्ट जो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा उसका जो नाम है, सब्जेक्ट का नाम है वो ऑटोमेटिकली आएगा और मार्क्स ऑप्टेन ये फिक्स टेक्स्ट है। तो कॉन्केंट का यूज करके हम यहाँ पे वो जो डेटा है वो डेटा हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डायनेमिक बना रहे। अभी दोस्तों यहाँ पे हमने ये जो लुकअप लगाया, टू वे लुकअप लगाया, इसमें हमने क्या किया था, जो कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो फिक्स किया था। अभी मुझे क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर जो है फिक्स नहीं करना है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप में मेरा लुकअप वैल्यू जो है वो ये है, इसको मैं पहले क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, ओके, कॉमा। मेरा टेबल एरे जो है वो टेबल एरे ये है, पूरा टेबल मैं सिलेक्ट किया हूँ और इसको मैं, मेरा टेबल एरे जो है वो टेबल एरे को मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे, कॉमा। अभी मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मुझे क्या करना है, मैच यूज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट, इसका मुझे यहाँ पे क्या आना चाहिए, इंडेक्स नंबर आना चाहिए, कॉलम नंबर आना चाहिए, इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ मैच, ओके। ये सब्जेक्ट इसको मैं रिलेटिव रेफरेंस रखूंगा, कॉमा, और यहाँ से मैं इसका जो लुकअप एरे है वो सिलेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ फिक्स करूंगा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ओके। यहाँ पे देखो 33 मार्क्स जो है वो आ गए। तरह आप इसको क्या कर सकते हैं,
ड्रैग कर सकते हो। तो ड्रैग करने के बाद आपका जो स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे आएगा। ये देखो A001 के लिए इंग्लिश में 33 करेक्ट आ गया, हिंदी में 90 करेक्ट आ गया, संस्कृत में 91 करेक्ट आ गया, साइंस वन पार्ट वन में 48 करेक्ट आ गया, पार्ट टू में 49 एंड मैथ्स में 90। अगर सपोज मैं यहाँ पे दूसरा कोई सब्जेक्ट ले लेता हूँ या फिर यहाँ पे मैं मार्क्स रोल नंबर जो है वो चेंज कर देता हूँ, 99 कट आ गया, तो 99 का जो मार्क्स है वो मार्क्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे। स्टूडेंट जो है उसका मार्क्स के लिए 88 सब्जेक्ट आया है, 38, 56, 95, 91, 80 एंड 88। सो हम देख सकते हैं 38, 56, 95, 91, 80 एंड 88। इस तरह आप 2A लुकअप आप यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें V लुकअप और मैच ये दो फंक्शन का यूज करके हम 2A लुकअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करो और कमेंट करके शेयर करो। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता हूँ हर दिन एक नई ट्रिक्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।